नमस्कार, वीकेबी न्यूज के खास प्रोग्राम में आपका स्वागत है। जहां आप देख रहे हैं देश प्रदेश और दुनिया से जुड़ी कुछ खास चुनिंदा खबरें, वो भी मेरे साथ। आर्यन खान को हाई कोर्ट से जमानत मिलने के बाद उनके वकील उनकी जेल की रिहाई से जुड़ी औपचारिकताएं पूरी करने के लिए अदालत के आदेश की प्रति का इंतजार कर रहे हैं। तो राकांपा नेता नवाब मलिक ने काशिफ खान पर इंटरनेशनल ड्रग्स माफिया होने का आरोप लगाया है। नवाब मलिक का कहना था कि वह सेक्स रैकेट चलाता है, साथ ही काशिफ खान के समीरवान खेड़े से संबंध भी है। इस बीच अवैध फोन टैपिंग मामले में रश्मि शुक्ला के वकील महेश जेठमलानी को बॉम्बे हाईकोर्ट में दावा किया है कि अवैध फोन टैपिंग से जुड़े गोपनीय जानकारी को राज्य के दो मंत्री नवाब मलिक और जितेंद्र आव्हाड ने सार्वजनिक किया है। उधर राज्य की स्वास्थ्य सेवा निदेशक अर्चना पाटिल ने बताया कि राज्य के स्वास्थ्य विभाग के समूह डी की भर्ती के लिए 1364 केंद्रों पर लिखित परीक्षा आयोजित होगी। इस बीच मुंबई में वैक्सीनेशन के लिए पात्र सभी वर्गों में से गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण बढ़ाने के लिए बीएमसी ने घर घर जाने का फैसला किया है। इसमें वार्ड स्तर पर काम करने वाली आशा और स्वास्थ्य सेविकाओं की मदद ली जाएगी। प्रदेश की इन 5 बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहे हमारे साथ। मुंबई क्रूज पार्टी ड्रग्स केस में गिरफ्तार आर्यन खान को बॉम्बे हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है, मगर वह जेल से बाहर कब आएंगे इस पर सस्पेंस बरकरार है। आर्यन खान को हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद उनके वकील उनकी जेल की रिहाई से जुड़ी औपचारिकताएं पूरी करने के लिए अदालत के आदेश की प्रति इंतजार कर रहे हैं। हालांकि जेल से निकलने का प्रोसेस इतना लंबा है कि ऐसा लग रहा है कि शाहरुख खान के बेटे को एक रात और जेल में गुजारना पड़ सकता है। बॉम्बे हाईकोर्ट से आर्यन खान के जमानत के आदेश की प्रति मिलने के बाद उनके वकीलों को उसे जमानतदारों सहित अन्य आवश्यक दस्तावेजों के साथ नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइक्रोटॉपिक सब्सटेंस संबंधी मामलों की सुनवाई करने वाली एक विशेष अदालत में पेश करना होगा। विशेष अदालत इसके बाद रिहाई के दस्तावेज जारी करेगी, जिसे जेल अधीक्षक के सक्षम शाम 6 बजे तक पेश करना होगा, तभी आर्यन आज रिहा हो पाएंगे। किसी भी तरह का विलंब होने से आर्यन को मुंबई की आर्थर रोड जेल में एक और रात गुजारनी पड़ सकती है और फिर उन्हें शनिवार को रिहा किया जा सकता है। एनसीपी ने 2 अक्टूबर को मुंबई के तट के पास गोवा जा रहे एक क्रूज जहाज पर छापेमारी के बाद शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान और कुछ अन्य लोगों को गिरफ्तार किया था। एजेंसी ने क्रूज से ड्रग्स जब्त करने का दावा किया है। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक एनसीपी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े को लेकर रोज नए नए खुलासे कर रहे हैं। अब नवाब मलिक ने क्रूज पर एक मस्ती भरे डांस करते शख्स का वीडियो शेयर किया। वीडियो में शख्स के साथ एक महिला भी मस्ती में झूमती नजर आ रही है। मलिक ने डांस का ये वीडियो शेयर करते हुए लिखा है कि काशिफ खान का क्रूज शिप पर डांस करते हुए वीडियो। जानकारी के अनुसार काशिफ खान फैशन टीवी के MD है। बताया जा रहा है कि क्रूज शिप कॉर्डियला पर पार्टी का आयोजन काशिफ खान ने ही किया था। याद रहे, इससे पहले नवाब मलिक ने काशिफ खान पर इंटरनेशनल ड्रग्स माफिया होने का आरोप लगाया था। नवाब मलिक का कहना था कि वह सेक्स रैकेट चलाता है, साथ ही काशिफ खान के समीर वानखेड़े से संबंध है। मलिक का कहना था कि इस मामले में काशिफ खान को अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े पर यह आरोप भी लगाया था कि क्रूज पर चल रही पार्टी में अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स किंग मौजूद था। उस पार्टी में उसकी माशुका भी गन के साथ मौजूद थी। मलिक ने कहा कि वह दाढ़ी वाला अंतर्राष्ट्रीय ड्रग माफिया कभी तिहाड़ जेल में कैद था। अवैध फोन टैपिंग मामले से जुड़ी गोपनीय जानकारी का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। वरिष्ठ IPS अधिकारी रश्मि शुक्ला के वकील महेश जेठमलानी ने बॉम्बे हाईकोर्ट में दावा किया कि अवैध फोन टैपिंग से जुड़ी गोपनीय जानकारी को राज्य के दो मंत्री नवाब मलिक और जितेंद्र आव्हाड ने सार्वजनिक किया है। दोनों मंत्रियों ने मीडिया के सामने फोन टैपिंग से जुड़े गोपनीय जानकारी जाहिर किया था। उन्होंने हाईकोर्ट में मुंबई पुलिस की तरफ से की जा रही जांच को एकतरफा बताया है। उन्होंने कहा है कि वरिष्ठ IPS अधिकारी शुक्ला ने ईमानदारी और निष्ठा के साथ काम किया है, इसके बावजूद उनके साथ राज्य सरकार का व्यवहार अशोभनीय है। बता दें कि रश्मि शुक्ला वर्ष 1988 के IPS बैच के अधिकारी हैं और परमबीर सिंह भी इसी बैच के हैं। रश्मि शुक्ला द्वारा की गई कॉल रिकॉर्डिंग के आधार पर ही राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर 100 करोड़ की धन उगाही का टारगेट देने के आरोप लगाए गए थे। इस कॉल रिकॉर्डिंग के जरिए तबादलों के खेल में अनिल देशमुख की भूमिका सामने आई थी। रश्मि शुक्ला ने इसकी जानकारी ACS और पुलिस महानिदेशक को दी थी। राज्य के स्वास्थ्य विभाग की समूह डी की भर्ती के लिए 1364 केंद्रों पर लिखित परीक्षा आयोजित होगी। राज्य की स्वास्थ्य सेवा निदेशक अर्चना पाटिल ने बताया कि परीक्षा के आयोजन के लिए ठेकेदार निजी कंपनी न्यासा कम्युनिकेशन को पूरा सहयोग किया जा रहा है। समूह डी के 42 संवर्ग के 78 कार्यालयों में भर्ती के लिए प्रत्येक जिले को एक स्वतंत्र विभाग के रूप में घोषित किया गया है। इन सभी पदों के लिए एकत्रित परीक्षा आयोजित होगी, इसलिए अभ्यर्थी किसी एक जिले के परीक्षा केंद्र में परीक्षा दे पाएंगे। स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि अभ्यर्थियों को विभिन्न पदों की भर्ती के लिए आवेदन करने की संख्या को लेकर कोई सीमा नहीं रखी गई थी, इसलिए अभ्यर्थियों ने कई जिलों में आवेदन किया है।
इस कारण उन्हें हर आवेदन पर परीक्षा केंद्रों के एक एक प्रवेश पत्र दिए गए हैं। लेकिन भर्ती विज्ञापन में ही स्पष्ट किया गया था कि अभ्यर्थी जिस जिले में परीक्षा देंगे उसी जिले की गुणवत्ता सूची में उनका विचार किया जाएगा, बाकी के जिलों में उनका विचार नहीं किया जाएगा। पाटिल ने बताया कि समूह डी की भर्ती के लिए 166 अभ्यर्थियों ने 30 जिले में आवेदन किया है। मुंबई में वैक्सीनेशन के लिए पात्र सभी वर्गों में से गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण धीमी गति से हो रहा है। इसे बढ़ाने के लिए अब बीएमसी घर घर जाएगी। वार्ड स्तर पर काम करने वाली आशा और स्वास्थ्य सेविकाओं की मदद ली जाएगी। इन पर गर्भवती की काउंसलिंग और टीकाकरण केंद्रों पर लाने की जिम्मेदारी होगी। इनके टीकाकरण अभियान की शुरुआत 15 जुलाई से की गई है। अभियान को शुरू हुए 4 महीने होने जा रहे हैं। अब तक 2684 महिलाओं को वैक्सीन की खुराक दी गई है, जिनमें से सिर्फ 884 ही दोनों खुराक ले पाई है। गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण का ग्राफ बढ़ाने के लिए बीएमसी विभिन्न उपाय योजना कर रही है। इनकी काउंसलिंग के लिए हाल ही में बीएमसी ने निजी स्त्री रोग विशेषज्ञों की भी मदद लेनी शुरू की है। इसके बावजूद गर्भवती टीका लगवाने में दिलचस्पी नहीं ले रही है। वैक्सीन को लेकर इनमें अब भी संदेह है। बीएमसी स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक कोरोना की पहली लहर के मुकाबले दूसरी लहर में गर्भवती महिलाएं ज्यादा प्रभावित रहीं। पहली लहर में 14.2% गर्भवती महिलाओं में कोरोना के लक्षण पाए गए थे, जबकि दूसरी लहर में इसका प्रमाण 35.9% था। किसान आंदोलन के कारण लगभग 11 महीने से बंद गाजीपुर बॉर्डर और टीकरी से दिल्ली जाने वाला रास्ता खुलने लगा है, मगर किसान अपने रुख पर अड़े हैं। संभवतः अब वे संसद कुछ कर सकते हैं। उधर केंद्रीय जांच ब्यूरो ने रिश्वतखोरी के मामले में गिरफ्तार दिल्ली पुलिस के सब इंस्पेक्टर के घर पर छापेमार के दौरान 1,12,00,000 रुपए नकद बरामद किए हैं। अधिकारी भी इतनी नकदी देकर हैरान है। इस बीच देश में बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस के 14,348 नए केस सामने आए हैं, मगर मौत की संख्या में बड़ा इजाफा देखने को मिला है। केरल में आंकड़ों में संशोधन के चलते इतना बड़ा इजाफा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार कैथोलिक धर्मगुरु पोप से मुलाकात करेंगे। ये मुलाकात इसीलिए अहम है कि भारत सरकार अल्पसंख्यकों पर अत्याचार के बढ़ते आरोपों को काबू न कर पाने के आरोप झेल रही है। अब खुशखबर, केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने तकरीबन 1,05,00,000 केंद्रीय कर्मचारियों के परिवर्तनीय महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी करने का ऐलान किया है। देश के इन 5 बड़ी खबरों को अब विस्तार से जानने के लिए बने रहे हमारे साथ। गाजीपुर बॉर्डर और टिकरी से दिल्ली जाने वाला रास्ता खुलने लगा है। पिछले करीब 11 महीनों से जारी किसान आंदोलन से परेशानी झेल रहे लाखों लोगों को राहत मिलेगी। पुलिस ने दोनों जगह से बैरिकेड्स हटाने शुरू कर दिए हैं। दिल्ली पुलिस का कहना है कि किसानों के साथ सहमति बनने के बाद दोनों बॉर्डर्स पर इमरजेंसी रूट खोल दिए जाएंगे। किसान आंदोलन की वजह से लगे बैरिकेड्स हटने के पीछे सुप्रीम कोर्ट के आदेश को वजह माना जा रहा है। 21 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि किसानों को प्रदर्शन का अधिकार है, मगर अनिश्चितकाल के लिए सड़कें ब्लॉक नहीं की जा सकती। अब ऐसा माना जा रहा है कि धरने पर बैठे किसान संसद कूच कर सकते हैं। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि पीएम ने कहा था कि किसान कहीं भी अपनी फसल बेच सकते हैं, तो हम संसद के सामने जाएंगे। वैसे इस बारे में संयुक्त मोर्चा फैसला करेगा। हम 11 महीने से रास्ते पर बैठे थे, दिल्ली जाना था। अब रास्ते खुलेंगे तो हम भी अपना तामझाम लेकर दिल्ली जाएंगे। पहले हमारे ट्रैक्टर जाएंगे, फिर हम जाएंगे। टिकट ने फिर दोहराया कि रास्ता किसानों से नहीं, दिल्ली पुलिस ने रोका था। हम रास्ता रोकने वाले लोग नहीं हैं। हमारी रास्तों की लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई 3 काले कानूनों के खिलाफ है। जिन किसानों की कहीं फसल नहीं बिक रही, वह संसद में फसल बेचने जाएंगे। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने रिश्वतखोरी के मामले में गिरफ्तार दिल्ली पुलिस एक सब इंस्पेक्टर के घर पर छापे के दौरान 1,12,00,000 रुपए नकद बरामद किए गए। सीबीआई अधिकारियों ने बताया कि नई दिल्ली के मैदान गढ़ी थाने में तैनात सब इंस्पेक्टर भोजराज सिंह को 50,000 रुपए की कथित रूप से रिश्वत लेते पकड़ा गया था। अधिकारियों के माने तो उसकी कार में 5,47,000 रुपए से अधिक नकद बरामद की गई, जबकि उसके घर पर तलाशी के दौरान 1,07,00,000 रुपए नकद बरामद की गई। सीबीआई अपने प्रवक्ता ने बताया कि दरअसल मैदान गढ़ी पुलिस स्टेशन के सब इंस्पेक्टर के खिलाफ एक शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया गया था, जिसमें यह आरोप लगाया गया था कि उसने तथाकथित शिकायतकर्ता और उसके दोस्त को पुलिस स्टेशन में दर्ज मामलों में सहयोग करने और जमानत याचिकाओं का विरोध नहीं करने के लिए शुरू में 5,00,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी, बाद में कम से कम 2,00,000 रुपए देने को कहा था। याचिकाकर्ताओं ने इसकी जानकारी सीबीआई को दी। आरोपियों की पुष्टि के बाद सीबीआई ने जाल बिछाया और कथित तौर पर रिश्वत लेते हुए भोजराज सिंह को गिरफ्तार कर लिया। उसके यहां से मिली नगद राशि को देख अधिकारी भी अवाक रह गए।
भारत में कोरोना वायरस के मामलों में उतार चढ़ाव जारी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार भारत में बीते 24 घंटों में कोरोना वायरस के 14,348 नए केस सामने आए हैं, मगर मौत की संख्या में बड़ा इजाफा देखने को मिला है। देश में शुक्रवार को 805 मौतें हुई। केरल में मौत का आंकड़ा सबसे अधिक है। हालांकि मौत के मामलों में अप्रत्याशित वृद्धि की वजह से केरल के पुराने डेटा को नए कोरोना फिगर में शामिल किया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में शुक्रवार को कोरोना वायरस से ठीक होने वालों की संख्या 19,198 रही, जो नए मामलों से कम ही है। इस तरह से देश में कोरोना वायरस से अब तक 3,36,27,632 लोग उबर चुके हैं। वहीं कुल मामलों की संख्या 3,42,46,015 पार कर चुकी है। फिलहाल देश में एक्टिव केसों की संख्या 1,61,334 है और अब तक 4,57,191 लोग जान गंवा चुके हैं। आंकड़ों के मुताबिक उपचाराधीन मरीजों की संख्या संक्रमण के कुल मामलों का 0.47% है, जो मार्च 2020 के बाद से सबसे कम है, जबकि कोविड-19 से स्वस्थ होने वाले लोगों की दर 98.19% है। बीते 24 घंटों में कोविड-19 का इलाज करा रहे मरीजों की संख्या में 345 मामलों की वृद्धि दर्ज की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार कैथोलिक धर्म गुरु पोप से मुलाकात करेंगे। वह G20 बैठक में हिस्सा लेने इटली जा रहे हैं। मोदी की पोप से मुलाकात रोम में होगी। यह मुलाकात इसीलिए अहम है कि भारत सरकार अल्पसंख्यकों पर अत्याचार के बढ़ते आरोपों को काबू न कर पाने के आरोप झेल रही है। वैसे देखा जाए तो 2014 में पद संभालने के बाद से दक्षिण पंथी भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न पर चुप रहने के आरोप झेलते रहे हैं। भारतीय विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंखला ने पोप के साथ मोदी की वेटिकन सिटी में शनिवार को होने वाली बैठक का ऐलान करते हुए बस इतना कहा कि यह बहुत महत्वपूर्ण होगी। बीजेपी की मातृ संस्था कहे जाने वाले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेता अक्सर इकाइयों पर भारत में धर्मांतरण के आरोप लगाते हैं। इस विवाद के चलते ईसाइयों पर हमले भी होते रहते हैं। एक समाज सेवी संस्था ने इसी महीने जारी एक रिपोर्ट में बताया कि साल ईसाइयों पर हमलों के 300 मामले सामने आ चुके हैं। इन मामलों में अक्टूबर में उत्तराखंड में हुई घटना भी शामिल है, जिसमें एक चर्च पर बीजेपी और अन्य हिंदू संगठनों के 200 से ज्यादा सदस्यों ने कथित तौर पर हमला किया। मार्च में हिंदू अतिवादियों ने एक समूह ने छत्तीसगढ़ में एक चर्च पर हमला किया था। हमले के वक्त वहां लगभग 150 लोग मौजूद थे, जिनमें से 8 गंभीर रूप से घायल हुए थे। मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को दिवाली का बड़ा तोहफा दिया है। केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने तकरीबन 1.5 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों के परिवर्तनीय महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी करने का ऐलान किया है। मीडिया की रिपोर्ट्स के अनुसार केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने 1.5 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों के लिए BDA की दर में संशोधन किया। इसे केंद्रीय कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी होगी। यह बीते 1 अक्टूबर 2021 से लागू माना जाएगा। बता दें कि परिवर्तनीय महंगाई भत्ता यानी BDA औद्योगिक श्रमिकों के लिए औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर संशोधित किया जाता है। यह मूल्य सूचकांक श्रम ब्यूरो द्वारा एकत्र किया जाता है। BDA में इस संशोधन के लिए साल जनवरी से जून के महीनों के लिए औसत CPI IW का इस्तेमाल किया गया। केंद्रीय श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव ने अपने एक बयान में कहा कि इससे देश भर में कार्यरत तकरीबन 1.5 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। इन कर्मचारियों में ज्यादातर कंस्ट्रक्शन, रोड मेंटेनेंस, एयरपोर्ट के रनवे, भवन संचालन, स्वच्छता एवं सफाई, माल को लादने और उतारने आदि कार्यों में लगे हैं। उन्होंने कहा कि यह सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप है। सोशल मीडिया पर बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। फेसबुक इंक ने अपना नाम बदलकर मेटा कर लिया है। तो चीन ने वखान कॉरिडोर की निगरानी के लिए ताजिकिस्तान में एक और सैन्य अड्डा खोलने का फैसला किया है। इसी बीच बांग्लादेश सरकार ने हाल ही में हुए सांप्रदायिक झड़पों को लेकर कहा है कि कई जगह इसमें मरने वालों की संख्या बढ़ चढ़कर बताई जा रही है, जो कि गलत है। उधर लंदन और पेरिस के बीच संबंधों में और कुटता बढ़ गई है। दरअसल नए वर्ष की शुरुआत में जब से ब्रिटेन यूरोपीय संघ से अलग हुआ है, तब से उनके बीच की दूरी बढ़ती जा रही है। हैरान कर देने वाली खबर उत्तर कोरिया से है। वहां के तानाशाह किम जोंग उन ने अपने देश के लोगों से कहा है कि वह अगले 4 साल मतलब 2025 तक कम खाए, क्योंकि खाद्य समस्या गहरा रही है। दुनिया भर की इन 5 बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहे हमारे साथ। फेसबुक इंक ने अपना नाम बदलकर मेटा कर लिया है।
मगर फेसबुक इंक के अंडर आने वाले फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम के नाम वही बने रहेंगे जो है। वर्चुअली आयोजित कनेक्ट सम्मेलन में एक प्रेजेंटेशन के दौरान मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जकरबर्ग ने कहा कि सोशल नेटवर्क के तौर पर स्थापित अपनी पहचान को अलग रूप देने के लिए और वर्चुअल रियलिटी पर केंद्रित उभरते कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट को दर्शाने के लिए फेसबुक ने ये कदम उठाया है। आज हम सोशल मीडिया कंपनी के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन हमारा डीएनए उस कंपनी का है जो लोगों को जोड़ने के लिए टेक्नोलॉजी बनाती है। मेटावर्स सोशल नेटवर्किंग की तरह ही अगला फ्रंटियर है। अब से हम मेटावर्स फर्स्ट होने जा रहे हैं, फेसबुक फर्स्ट नहीं। कहना है कि कंपनी का नाम बदले जाने के बाद भी हमारा मिशन वही रहेगा, हमारे एप्स और उनके ब्रांड नहीं बदल रहे हैं। कंपनी ने कहा कि उसका स्टॉक 1 दिसंबर से नए टिकर MBRS के तहत कारोबार शुरू करेगा। जुकरबर्ग ने गुरुवार को एक लेटर में कहा कि हमें उम्मीद है कि अगले दशक में मेटावर्स 1 अरब लोगों तक पहुंच जाएगा, सैकड़ों अरब डॉलर के डिजिटल कॉमर्स की मेजबानी करेगा और लाखों क्रिएटर्स व डेवलपर्स के लिए नौकरियों का सपोर्ट देगा। चीन ने वखान कॉरिडोर की निगरानी के लिए ताजिकिस्तान में एक और सैन्य अड्डा खोलने का फैसला किया है। इसके जरिए चीन अपने अशांत प्रांत शिनजियांग के साथ ही अफगानिस्तान पर भी नजर रखना चाहता है। सूत्रों के अनुसार तालिबान के सत्ता में आने के बाद से टॉप चीनी नेता कई बार तालिबान प्रतिनिधि मंडल से मिल चुके हैं। अफगानिस्तान में एक्टिव हो रहे कई आतंकी संगठनों को रोकने के लिए तालिबान बगराम एयरबेस को किसी तीसरे देश को सौंपने पर विचार कर रहा है। इस तीसरे देश की लिस्ट में चीन, पाकिस्तान और अमेरिका जैसे देश सबसे ऊपर है। रिपोर्ट्स बताती है कि तालिबान सरकार में रक्षा मंत्री मुल्ला याकूब और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI समर्थित गृह मंत्री और ग्लोबल आतंकी सिराजुद्दीन हक्कानी के बीच जारी टकराव का फायदा आतंकी संगठन उठा रहे हैं। मौजूदा वक्त में अमेरिका अलकायदा और हक्कानी नेटवर्क जैसे आतंकी संगठनों को लेकर चिंतित है, क्योंकि हक्कानी नेटवर्क तालिबान सरकार चला रहा है। इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासन भी अफगानिस्तान में अपने पैर पसार रहा है। चीन उइगर आतंकियों को लेकर बेहद अलर्ट है, तो भारत जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा जैसे आतंकी संगठनों से अलर्ट है। बांग्लादेश सरकार ने हाल ही में हुए सांप्रदायिक झड़पों को लेकर कहा है कि इस हिंसा में 6 लोगों की मौत हुई है। मरने वालों में 4 मुस्लिम है और 2 हिंदू। कई जगह इसमें मरने वालों की संख्या बढ़ चढ़कर बताई जा रही है, जो कि गलत है। बांग्लादेश के विदेश मंत्री AK अब्दुल मोमेन ने कहा है कि किसी के साथ बलात्कार नहीं हुआ है और एक भी मंदिर को नष्ट नहीं किया गया है। हालांकि देवी देवताओं की प्रतिमाओं के साथ बर्बरता और हिंसा की गई है, जो दुर्भाग्यपूर्ण थी और नहीं होनी चाहिए थी। सरकार ने तत्काल कार्रवाई में अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है और अब वे पुलिस हिरासत में है। विदेश मंत्री ने मीडिया पर सवाल उठाए और कहा कि हिंसा को लेकर गलत खबरें शेख हसीना सरकार को शर्मिंदा करने के लिए फैलाई गई है। हम दुर्गा पूजा समारोह के दौरान हुई सांप्रदायिक हिंसा की जांच कर रहे हैं। उस घटना की भी जांच कर रहे हैं जिसमें एक व्यक्ति ने पवित्र कुरान की एक प्रति एक देवता के पैर के पास छोड़ दी थी, जिसके बाद सोशल मीडिया पर आक्रोश फैल गया था। दूसरी तरफ मीडिया के मुताबिक हिंदुओं पर हमलों के संबंध में देश में कम से कम 71 मामले दर्ज किए गए हैं और लगभग 450 को सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। खुद बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने हिंसा भड़काने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने के निर्देश देश के गृह मंत्री को दिए थे। नए वर्ष की शुरुआत में जब से ब्रिटेन यूरोपीय संघ से अलग हुआ, तब से लंदन और पेरिस के बीच संबंध तेजी से खराब हो गए हैं। फ्रांस पिछले महीने ब्रिटेन और जर्सी के एक फैसले से नाराज हो गया था। इसमें उसने अपने जल क्षेत्र से मछली पकड़ने के लिए फ्रांसीसी नौकाओं के दर्जनों लाइसेंस को अस्वीकार कर दिया था। इसके पीछे ये तर्क दिया गया था कि ये ब्रेग्जिट समझौता का उल्लंघन करता है। हालांकि इससे पहले भी फ्रांसीसी सरकार ने धमकी दी थी कि अगर ब्रेग्जिट के बाद विवाद का समाधान नहीं हुआ तो अगले सप्ताह से ब्रिटिश जहाजों को कुछ बंदरगाहों पर आने से रोक दिया जाएगा। पेरिस ने यहां तक कहा कि राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों का प्रशासन चैनल द्वीप समूह को ऊर्जा आपूर्ति को प्रतिबंधित कर सकता है। वही 10 डाउटिंग स्ट्रीट ने कहा कि खतरे अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुकूल नहीं लगते हैं और अगर पेरिस पीछे नहीं हटता है तो उसके खिलाफ भी उचित और जवाबी कार्रवाई की जाएगी। फ्रांसीसी सरकार के प्रवक्ता गैब्रियल अटल ने कहा है कि मंगलवार को होने वाले समझौते पर बहुत कुछ टिका है, इसके बाद तनाव और बढ़ सकता है। घातक मिसाइलें हासिल करने में जुटे उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने अपने देश के लोगों से कहा है कि वह अगले 4 साल मतलब 2025 तक कम खाए, क्योंकि खाद्य समस्या गहरा रही है। मुश्किल ये है कि तानाशाह के शब्द ही फरमान होते हैं, उसे न मानने वाले का अंजाम कुछ भी हो सकता है। वैसे उत्तर कोरिया फिलहाल आर्थिक मोर्चे पर दाने दाने का मोहताज है। खुद किम ने कहा है कि आपूर्ति बाधित होने और कृषि क्षेत्र में लक्ष्य के अनुरूप उत्पादन नहीं होने से देश में खाद्य संकट गहरा रहा है। इससे देश में अनाज और अन्य जरूरी खाद्य सामग्री की कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इस साल भारी बारिश ने भी फसल को चौपट करने का काम किया है। हालात की गंभीरता को भांपते हुए सत्ताधारी वर्कर पार्टी के सेंट्रल मिलिट्री कमीशन ने बैठक करके हालात पर मंथन किया है।
इससे पहले अप्रैल को भी किम जोंग ने अधिकारियों से कहा था कि जनता को मुश्किलों से थोड़ी राहत देने के लिए फिर से एक मुश्किल मार्च शुरू करे। तानाशाह की टीम से जुड़े एक स्रोत के मुताबिक किम ने यह भी साफ कर दिया है कि चीन के बीच सीमा पार व्यापार के अगले 4 साल में शुरू होने की संभावना बहुत कम है, इसीलिए खाद्य संकट वर्ष 2025 तक जारी रहेगा। तो आज की इस खास पेशकश पे बस इतना ही, आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए बीकेबी न्यूज़। नमस्कार।